हल्द्वानी में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने पश्चिमी बंगाल के रेंजर्स और उत्तराखंड के वन गार्ड को जंगल भ्रमण समेत वन्य जीवों के मूवमेंट को चिन्हित करने को लेकर टिप्स दिए। वहीं अकादमी की निदेशक डॉक्टर तेजस्विनी पाटिल ने बताया कि FTI में पश्चिमी बंगाल के दौरे 42 रेंजर और उत्तराखंड के 100 फॉरेस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से एक इंस्टीट्यूट खोलने की संभावना है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ हमारी 4 दिन की वर्कशॉप थी जो कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी, जिसमें हमने इन नए ट्रेनीज ऑफिसर्स को फील्ड विजिट कराया और जानवरों के बारे में उनको बताया और बहुत सारी सीख मिली है। अभी हम न्यू हैं यहाँ पे, बाकी 6 मंथें आ गई, हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। अभी हम जंगल में गए थे आज भी फतेहपुर रेंज में, आज हमने वहाँ पे कुछ पगमार्क देखे टाइगर के। मैंडेट तो है कि हमको नए जो न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी होती है। उनकी जो सर्विस की जो पहली ट्रेनिंग होती है वो FTI करता है। तो FTI में रेंजर्स दूसरे स्टेट के आते हैं, तो हमारे पास 42 रेंजर्स आए हैं वेस्ट बंगाल स्टेट से, और हमारे उत्तराखंड के हमारे ये 100 फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, ये 6 महीने की ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अनुभव मिलेगा जो हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिन में फील करा है और इन बच्चों ने फील करा है, ट्रेनीज ने जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें बताया है कि सर आपने हमें वो ट्रेनिंग दी है कि जो हमारे रिटायरमेंट तक हमारे साथ रहेगी, हमारे काम आएगी। और हमने से हमारे इधर जो ट्रेनिंग हुआ है ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, तो उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला।